दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। आप सबका स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनहरी यादों के सफर में आज ग्रेट सिंगर गीता रॉय, जो गुरुदत्त से शादी करने के बाद बन गई गीता दत्त, गीता दत्त का जन्मदिन है, उनके गाने सुनेंगे और दास्तानें जानेंगे सुहाने सफर में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। उसके बाद कैसे मिला हसरत जयपुरी को उनके जीवन का पहला मौका फिल्मी गीत लिखने का जानेंगे आज। राज खोसला ने एक 20 साल के लड़के से क्यों कहा जीरो इज अ ब्रिलियंट फिगर टू बिगिन विथ, कौन था वो 20 साल का लड़का, ये भी जानेंगे आज। फिर हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे अभिनेता रमेश देव को। आज रीमेड इन इंडिया में हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म स्ट्रीट्स ऑफ फायर की और जानेंगे कि इस फिल्म को कॉपी करके कौन सी हिंदी फिल्म बनाई गई। और हमेशा की तरह प्रोग्राम के अंत में लिसनर्स क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर विद अनु कपूर। बात उस लड़की की जिसका जन्म ईस्ट बंगाल के फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। पिता जमींदार थे, नाम रखा गया गीता। बंगाल में बचपन गुजारने के बाद गीता महज 12 साल की रही होगी जब उनके पिता बॉम्बे आकर बस गए। जमींदारी के चलते बचपन से वैभव ऐश्वर्य सुख देखने वाली गीता के परिवार को बॉम्बे में एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। यहां उनके पिता ने दादर के एक साधारण से अपार्टमेंट में एक फ्लैट ले लिया। गीता को बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था जिसके चलते वो अक्सर घर पर गुनगुनाती रहती थी। एक दिन जब वो अपने फ्लैट में गुनगुना रही थी तभी उनकी आवाज पास के फ्लैट में आए म्यूजिक डायरेक्टर के हनुमान प्रसाद के कानों में पड़ी। हनुमान प्रसाद जी को गीता की आवाज बहुत पसंद आई। उन्होंने गीता को अपने सुपरविजन और गाइडेंस में संगीत सिखाने का फैसला ले लिया। फिल्मों में गाने के लिए गीता के पेरेंट्स को मनाने के बाद गीता ने संगीत की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। जल्द ही वो दिन आया जब गीता को फिल्मों में पहली बार गाने का मौका मिला और ये मौका मिला 1946 में बनी फिल्म भक्त प्रह्लाद में, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर खुद हनुमान प्रसाद जी थे। हालांकि इस फिल्म के दो गीतों में सिर्फ दो लाइंस गाने का मौका मिला मगर यही अवसर काफी था। उनकी गाई हुई इन दो लाइंस ने ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्हें आगे भी फिल्म कश्मीर की कली, रसीली और सर्कस किंग में गाने का मौका मिला। पर असली ब्रेक तब आया जब उन्होंने 1947 की फिल्म दो भाई में एक सोलो गीत गाया। म्यूजिक था दादा एसटी बर्मन का और गीत के बोल थे मेरा सुंदर सपना बीत गया। ये गाना बहुत हिट हुआ, बहुत कामयाब हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद गीता ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गीता ने लता और शमशाद बेगम जैसी फेमस सिंगर्स के बावजूद अपनी एक अलग जगह बनाई, अपना अलग नीश काव किया। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कागज के फूल का एक गीत सुनाने जा रहा हूं। फिल्म डायरेक्ट की थी गुरुदत्त साहब ने, एक्ट भी किया था और गीत लिखा कैफी आजमी साहब ने और स्वर रचना है स्वर्गीय सचिन देव बर्मन की। वक्त ने किया क्या हसीं सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। हसरत जयपुरी उन दिनों बंबई के ओपेरा हाउस के फुटपाथ पर रहा करते थे। गुर्बत के दिन थे, मिट्टी के खिलौने बेचकर किसी तरह गुजारा हो रहा था। लेकिन मुश्किलात के बावजूद मुशायरों में जाना नहीं भूलते थे। किसी न किसी तरह, कहीं न कहीं, किसी न किसी मुशायरे में पहुंच ही जाते थे। ओपेरा हाउस के फुटपाथ पर उनके अलावा और भी कई दिहाड़ी मजदूर सोया करते थे। उनमें से एक दिहाड़ी मजदूर से उनकी अच्छी खासी दोस्ती, जान पहचान हो गई। एक रात दोनों सोए मगर सुबह दूसरा साथी उठ नहीं पाया। उस दिहाड़ी मजदूर की मौत हो गई थी। हसरत जयपुरी ने अपना फुटपाथ का दोस्त हमेशा के लिए गंवा दिया था।
इस बात ने हसरत जयपुरी को हिलाकर रख दिया। वो बहुत दिनों तक मायूसी, परेशानी और दुख में घूमते रहे और कुछ दिनों के बाद एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था मजदूर की लाश, और मुशायरे में भी यही कविता पढ़ डाली। दर्शकों ने इस कविता को बहुत सराहा। दर्शकों में बैठे पृथ्वीराज कपूर को भी ये कविता इतनी अच्छी लगी कि मुशायरे के बाद वो हसरत जयपुरी से मिलने आए और उनसे कहा, फिल्मों में लिखोगे गीत? हसरत जयपुरी के हाँ कहने पर उन्होंने हसरत जयपुरी को राज कपूर का रेफरेंस दिया कि जाके मिलो। राज कपूर उन दिनों बरसात बना रहे थे। हसरत जयपुरी राज कपूर से मिले और यहां उन्हें मिला जीवन का पहला फिल्मी गीत लिखने का मौका। वो गीत जो हसरत जयपुरी ने लिखा उसके बोल हैं, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। फिल्म हिट, गीत भी हिट। इसके बाद हसरत जयपुरी राज कपूर की टीम का एक अहम हिस्सा बन गए। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। दोपहर का वक्त होगा। एक 20 साल का लड़का महबूब स्टूडियो के गेट से अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, तभी दरबान ने रोका, पूछा कहाँ जा रहे हो? लड़के ने बड़े रुबाब से कहा, साहब ने बुलाया है। साहब ने बुलाया है इसलिए जा रहे हैं, बिना बुलाए हम कहीं नहीं जाते। लड़के के बोलने के अंदाज से स्टूडियो का वॉचमैन धोखा खा गया और उसे अंदर जाने की परमिशन मिल गई। हालांकि लड़का सफेद झूठ बोल रहा था, उसे किसी ने नहीं बुलाया था। लेकिन उस लड़के को किसी भी हाल में राज खोसला से मिलना था, द ग्रेट डायरेक्टर राज खोसला। बचते बचाते, छिपते छिपाते वो किसी तरह राज खोसला तक पहुंचने में कामयाब हो गया। राज खोसला के पास पहुंचकर लड़के ने अपना परिचय दिया और बताया कि वो उन्हें अपना गुरु बनाना चाहता है, उनके अंडर में रहकर तालीम लेना चाहता है, काम सीखना चाहता है। राज खोसला ने पूछा, इससे पहले फिल्मों में काम करने का कोई अनुभव है? जवाब था लड़के का, बिल्कुल नहीं। राज खोसला ने फिर पूछा, फिल्मों के बारे में कोई जानकारी है? एक बार फिर उस जवान का जवाब आया, नहीं। राज खोसला आंखें गड़ाए कुछ देर तक उस लड़के को देखते रहे। थोड़ी देर के बाद उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई और उन्होंने कहा, गुड, जीरो इज ए ब्रिलियंट फिगर टू बिगिन विथ, और उस लड़के को अपने साथ काम पर रख लिया। वक्त बीतता गया और वो लड़का उनके साथ काम करता रहा, चीजें सीखता गया, ब्रिलियंट निकला। गुरु से सीखे गुर को इस्तेमाल कर उस लड़के ने जो फिल्में बनाई वो थीं अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क, दिल है कि मानता नहीं, जख्म इत्यादि। उस 20 साल के लड़के का नाम था महेश भट्ट। दिल ने फिर याद किया, आज ये सेगमेंट डेडिकेटेड है श्री रमेश देव को। रमेश देव का जन्म 30 जनवरी 1929 को कोल्हापुर जिले के एक राजपूत परिवार में हुआ था। मूल रूप से उनके पूर्वज जोधपुर राजस्थान के रहने वाले थे, जो विस्थापन के बाद कोल्हापुर में आके बस चुके थे। रमेश देव का बचपन कोल्हापुर की गलियों में ही बीता। उनके पिता, जो पेशे से एक कानूनी सलाहकार थे, बेटे को फौज में भेजना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रमेश देव को बचपन से ही सिनेमा और थिएटर का शौक लग गया, जिसके कारण वो मराठी सिनेमा में सक्रिय हो गए। पहली मराठी फिल्म जिसमें उन्हें काम करने का मौका मिला उसका नाम था पातलाची पोर। लेकिन रमेश देव की असली पारी शुरू हुई मराठी फिल्म अंधाला मंगतो एक ढोला, जो आई थी 1956 में, और जल्दी ही देखते देखते उन्होंने मराठी फिल्मों में अपना एक अहम नाम बना डाला। हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता को देखते हुए रमेश देव ने अपना रुख हिंदी फिल्मों की ओर कर लिया। यहां उनकी शुरुआत एक विलन के तौर पर हुई। पहली फिल्म थी राजश्री प्रोडक्शन की आरती, जो आई थी 1962 में। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद उन्हें फिल्में मिलती चली गईं और उन्होंने एक के बाद एक 285 हिंदी फिल्मों में काम किया।
राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सभी बड़े बड़े सितारों के साथ उन्होंने काम किया। श्री रमेश देव के करियर की जो प्रमुख हिंदी फिल्में रहीं वो थीं तीन बहुरानियाँ, सरस्वती चंद्र, खिलौना, जीवन मृत्यु, आनंद मेरे अपने, रामपुर का लक्ष्मण, जोरू का गुलाम, ये गुलिस्तां हमारा, प्रतिबंध, जॉली, LLB इत्यादि। इनका विवाह सीमा श्रॉफ के साथ हुआ जो बाद में सीमा देव हो गई। सीमा देव स्वयं अभिनेत्री थी। रमेश देव और सीमा देव ने लगभग 20 हिंदी फिल्मों में साथ साथ काम किया। प्रमुख फिल्में जिसमें दोनों ने साथ काम किया वो थीं आनंद, कोशिश, 10 लाख, सरस्वती चंद्र, कोरा कागज, हथकड़ी, एक चिट्ठी, प्यार भरी इत्यादि। इनके 2 सुपुत्र हैं। बड़े बेटे का नाम है अजिंक्य देव जो मराठी फिल्मों का एक नामचीन चेहरा है। दूसरे बेटे का नाम है अभिनव देव जो एक निर्देशक हैं जिन्हें फिल्म डेली बेली के निर्देशन से काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई। 86 वर्ष की आयु में भी श्री रमेश देव खुद को चुस्त दुरुस्त रखते हैं और आज भी वो किसी भी तरह का रोल करने को स्वयं को सक्षम पाते हैं। ईश्वर करे वो ऐसे ही अपने कर्मयोग को साधते रहें। उनके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए मैं उन्हीं की फिल्म का एक गीत आपको सुनवा रहा हूँ, रीमेड इन इंडिया। आज बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म स्ट्रीट्स ऑफ फायर की। एलन एम अपने बैंड की लीड सिंगर है जो एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने जा रही है। परफॉर्मेंस के दौरान रेवन शेडॉक जो एक बाइकर्स गैंग का सरगना है अपने गैंग के साथ आता है और एलन एम को किडनैप करके ले जाता है। इस पूरी घटना को एक लड़की देख लेती है जिसका नाम है रेवा कोडी। वो अपने भाई टॉम कोडी को संदेश भेजती है कि वो वहाँ तुरंत आ जाए। टॉम कोडी एक एक्स आर्मी मैन है और एलन एम का पूर्व प्रेमी भी रह चुका है। टॉम अपने एक और दोस्त मैकॉय जो पेशे से मैकेनिक है उसके साथ मिलकर एलन को बचाने का प्लान बनाता है, कुछ हथियार इकट्ठा करते हैं। इसी बीच रेवा एलन के मैनेजर बिली से मिलती है और उसे इस प्लान के बारे में बताती है। बिली एलन को बचाने के बदले में टॉम को $10,000 देने की पेशकश करता है। टॉम स्वीकार कर लेता है। तीनों मिलकर किसी तरह एलन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। एलन दोबारा टॉम की तरफ आकर्षित होने लगती है। बिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी कर देता है। अंत में किसी तरह भेद खुलता है और दोनों प्रेमी फिर एक हो जाते हैं। इसी थीम पर जब इंडिया में फिल्म बनी तो एलन एम और टॉम कोडी की भूमिका में थे माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर। रेवन शेडॉक के पात्र को निभाया था किरण कुमार ने और मैकॉय की भूमिका में थे चंकी पांडे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे एन चंद्रा और फिल्म का नाम था तेजाब। हालांकि स्ट्रीट्स ऑफ फायर ने बॉक्स ऑफिस पर वहां कुछ कमाल नहीं दिखाया लेकिन यहां स्ट्रीट्स ऑफ फायर की नकल तेजाब उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। कानपुर से सुमित श्रीवास्तव ने पूछा है फर्स्ट इंश्योर्ड हिंदी फिल्म के बारे में, सबसे पहली जिस फिल्म को इंश्योरेंस मिली करवाई गई। तो श्रीवास्तव जी, भारत की पहली फिल्म जिसे निर्माता ने इंश्योर्ड करवाया था, बीमा करवाया था, वो थी सुभाष घई की फिल्म ताल। सुभाष घई ने अपनी फिल्म का 12 करोड़ का बीमा करवाया था, 15 लाख का प्रीमियम भरना पड़ता था। इस फिल्म के बाद और भी कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों का बीमा करवाया जैसे मोहब्बतें, लगान, कभी खुशी कभी गम, अशोका, दिल चाहता है, 1 और 1 11 इत्यादि। उम्मीद करता हूँ आप हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगे। आज इस प्रोग्राम को यहीं विराम देता हूँ। नई उमंग और नए जोश के साथ कल फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। चलता हूँ प्रार्थना में। याद रखिएगा, जय हिंद, वंदे मातरम।